इस वीडियो के एंड में जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपके मुंह से अपने आप ही एक वर्ड निकलेगा, एक लाइन निकलेगी कि अकेला हूं और बहुत खतरनाक हूं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आपको ये फील होता है कि आप असहाय हो, अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। वो सिचुएशन की मार होती है, वो परिस्थिति होती है, वो टाइम होता है जो कि एक समय के बाद निकल जाता है और उसके बाद आप दोबारा से खड़े हो जाते हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ईगल की कहानी आप सभी ने सुनी होगी अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस को फॉलो करते हो, कि जब भी ईगल बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है और असहाय हो जाता है और जब उसको लगता है कि यार मेरे बस की कुछ भी नहीं है और वो अपने शिकार को पकड़ तक नहीं पाता, तो वो एक शांत जगह में अपने आप को ले जा करके बैठा देता है और उस शांत जगह में पत्थर पे मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है और साथ ही साथ अपने नखूनों को निकाल देता है। इस प्रोसेस से उसको मिलता क्या है? कभी आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने नखूनों खुद नीच के नोच के या तोड़ करके निकालो तो आपको पेन कितना ज्यादा होगा? एक नखून हल्का सा वैसे ही टूट जाता ना अनजाने में तो बहुत पेन होता है, और जब आपको बोला जाए कि आपको खुद से तोड़ करके निकालना है तो आपको कैसा महसूस होगा? तो ये कहानी कुछ उसी से रिलेट है। ईगल तो आपने सुना है, वो चोंच इसलिए तोड़ता है क्योंकि उनके पास एक सबसे अच्छी चीज, जैसे कि हमारे नखून बढ़ते हैं, नेल बढ़ते हैं, वैसे ही उनकी जो चोंच है वो दोबारा से ग्रो होती है और वो ग्रो होती है और वापस से वो पैनी हो जाती है। तो वो अपने इस चीज को देखते हुए अपने आप की चोंच को तोड़ता है और वापस से ग्रो करता है और उसके बाद अपने शिकार को दोबारा से खाने के लिए तैयार होता है। अगर वो ऐसा ना करे ना तो वो मर सकता है क्योंकि उसको चोंच टूटी हुई है, उसको खाना नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। तो यही सेम सिचुएशन आपके साथ होती है जब आपको ये फील हो जाए कि यार अब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, अब मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है और अब मेरे सामने कोई नहीं खड़ा है, तो आप और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हो। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपके सगे संबंधी आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपसे जेलस फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में या तो वो आपसे बराबरी करते हैं और या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि इन सारी प्रोसेस के अंदर वो सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और आप हो जाते हो अकेले। किसी सिचुएशन में आप दबते हो, कई बार ऐसी चीज हो जाती है आपकी लाइफ में कि जो आपको थोड़ा सा दबा देती है और उस समय आप कुछ नहीं बोल पाते हो, उस समय सिर्फ आपको एक फीलिंग आती है अकेलेपन की। हाँ, तो दोस्तों ये अकेलापन वही एक ऐसा खतरनाक दृश्य है जब सब कुछ पलट दिया जा सकता है, सब कुछ पलट देते हैं, सब कुछ उलट हो जाता है। और दोस्तों इस सिचुएशन के बाद भी एक रियल आप उजागर होते हैं क्योंकि जब आपको ये फील हो जाता है ना तो आपको खुद ब खुद ये लगने लग जाता है कि भाई साहब अब सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन शुरुआत मुझे दोबारा से करनी है। तो अकेला हूँ और बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ, जब भी ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आपको तीन चीज़ें करनी है, सोचनी है और बोलनी है। सबसे पहला, अकेला हूँ और ज़्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि जब इंसान अकेला हो जाता है ना तो उसको ना आगे की टेंशन होती है ना पीछे की टेंशन होती है, ना लेफ्ट की होती है ना राइट की होती है, बस उसको एक टेंशन होती है कि जिस सिचुएशन में वो अभी है चल रहा है उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले और उस पीक पे कैसे पहुंचे जहां पे वो आसपास के लोग पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। दूसरा, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेला हो गया, मैं परेशान हो गया, तो वो गलत कदम उठाने की कोशिश करते, जबकि वो एक गलत स्टेप होता है आपके द्वारा। आपको इसमें यही चीज सोचनी है कि अब और ज्यादा मजा आएगा जब अपनी पॉजिटिव मेंटेलिटी से अकेला हूं और खतरनाक हो जाऊंगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिश करो कि अपनी जिंदगी से ऐसे वो सारे लोग हटा दो जो आपको आपके पीछे से कुरेद रहे हैं। और सिर्फ ऐसा इंसान कौन होता है जो आपके लिए खड़ा होता है? वो होते हो आप खुद। जब आप खुद अपने साथ रहना स्टार्ट कर देते हो ना
तो आपको टेंशन नहीं होती कि कौन मेरे पीछे कूड़े देगा और कौन मेरे आगे मेरे सामने दीवार बन के खड़ा होगा, क्योंकि आप भी अपनी दीवार हो और आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपको सिंपल सा ही सोचना है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल में पहुंचा सकते हो। अकेला हो और बहुत खतरनाक हो, ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास नोटिफाइड हो जाएगी। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।